नाम एवरीवन आज हम क्लास सेवेंथ की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक द अलाइन हैंड सप्लीमेंट्री का चैप्टर टू ब्रिंगिंग अप करी चैप्टर की स्टडी करेंगे देखिए यहाँ पे जो करी है ये एक एलिफेंट का नेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेट्स स्टार्ट करी द एलिफेंट वाज फाइव मंथ्स ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ यहाँ मी मीन्स ऑथर हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है करी एक एलिफेंट जब पाँच महीने का था तब तो वह मुझे देखभाल करने के लिए दिया गया था आई वॉज़ नाइन ईयर्स ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूडोंट टिप टॉप मैं नौ वर्ष का था और मैं यदि अपने पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होता था तब तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था ही सीम्ड टू रिमेन देट हाई फॉर नियरली टू ईयर्स और मुझे दो साल तक तो वह उतना ही ऊंचा प्रतीत हुआ जितना वह पहले था वी grew टूगेदर हम एक साथ बड़े हुए देट इज प्रबली आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज इसीलिए मैंने शायद कभी भी ये पता नहीं लगाया कि वह कितना ऊंचा हो गया था ही लिव्ड इन ए पेविलियन वह एक पेविलियन में रहता था पेविलियन मीन्स ऐसी खुली जगह देखोगा आपने जैसे क्रिकेट के ग्राउंड को भी कभी-कभी पेविलियन कहते हैं वो इसी टाइप के ग्राउंड में रहता था अंडर अ थीज्ड रूफ जिसके ऊपर भूसे की एक छत थी थीज्ड मींस भूसे की व्हिच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स सो तो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बॉम्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट और उसके ऊपर मोटे-मोटे पेड़ के स्टम्स रखे हुए थे जिससे कि यदि करी बम्प भी करे यदि करी उछले भी तो वह जो छत है वह गिर ना जाए है ना अगेंस्ट द पोल्स मीन्स पोल्स के अगेंस्ट वह छत गिर नहीं जाए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय सबसे पहली चीज जो करी ने की थी उसने एक लड़के की जान बचाई थी करी डिड नॉट इट मच बट ही ने नीडेड फोर्टी पाउंड ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ करी ज्यादा नहीं खाता था लेकिन फिर भी उसे कम से कम फोर्टी पाउंड्स टिक्स डेली उसे चबाने के लिए और खेलने के लिए लगती थी ट्विक्स मींस टहनिया एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिस बात हर दिन में उसे नदी में सुबह सुबह नहलाने के लिए ले जाता था ही वुड लाई डाउन ऑन द सेंड बैंक वाइल आई रबड हिम विद द क्लीन सेंड ऑफ द रिवर फॉर एन ओअर वह वहाँ पर रेत में बैठ जाता था नदी के किनारे रेत में बैठ जाता था और मैं उसे साफ सुथरी जो रिवर की सैंड थी मैं उसके ऊपर एक घंटे तक रगड़ता था आफ्टर देट ही वुड लाई इन द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम उसके बाद वो एक लंबे समय तक पानी में रहता था ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी बाहर आने पर उसकी स्किन इबोनी के समान चमकने लगती इबोनी एक ट्री होता है जो जहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे ट्री होता है और बहुत चमकता है एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर और वो खुशी से चिल्लाता एज आई रबर डाउन हिस्स बैग जब में उसकी पीठ के ऊपर पानी डालता था और रगड़ता था उसे देन आई वुक द इयर उसके बाद में उसे कान से पकड़ के ले जाता इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट क्योंकि यह किसी भी हाथी को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है एंड लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल और उसे जंगल के सिरे पर छोड़ देता वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट समी ल्यूशियस ट्विक्स फॉरिस्ट डिनर जहाँ पे कि मैं जंगल में जाता उसके लिए कुछ ल्यूशियस मीन्स टेस्टी टेस्टी टहनियाँ तोड़ने के लिए उसके डिनर के लिए टेस्ट टेस्टी टहनियाँ टोड़ने के लिए मैं तोड़ने के लिए मैं जंगल में चला जाता और उससे एक सिरे पर छोड़ जाता वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दिज ट्विक्स किसी व्यक्ति के पास एक बहुत शार्प हैच मीन्स छोटी सी कुल्हाड़ी होना चाहिए इन टहनियों को काटने के लिए इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ अ ट्विग इज मल्टी म्यूटिलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट लगभग मुझे डेढ़ घंटा अपनी कुल्हाड़ी को शॉप करने में लगता था क्योंकि यदि टहनियाँ अच्छे से नहीं कटी होती तो एलिफेंट जो था वो उसे छूता भी नहीं था इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सेपलिंग फॉर करी करी के लिए टहनियाँ लाना और उसे भोजन देना कोई आसान काम नहीं था आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलीकेट एंड टेंडर ट्विक्स मुझे सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ताज़ी ताज़ी सॉफ्ट सॉफ्ट टहनियाँ तोड़ने के लिए मुझे सब प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था एजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च वेन आई सडनली हर्ट करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस मीन्स करी जो था वह बनियान ट्री की यंग यंग ब्रांचेस का बहुत शौकीन था जो कि एक कैथरेडल की पत्तियों के समान होती थी और उसकी जो शाखाएं थी मैं उन्हें इकट्ठा करता और लेके आता एक स्प्रिंग डे मींस एक दिन की बात है मार्च में मैंने अचानक करी की आवाज़ सुनी वह मुझे थोड़ी दूरी से बुला रहा था एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग यद्यपि वो बहुत यंग था द कॉल वॉज मोर लाइक देट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट फिर भी उसकी आवाज एक बेबी के सामान आ रही थी न कि एक एलिफेंट के सामान आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग मैंने सोचा कि उसे कोई दुख दे रहा है उसे कोई परेशान कर रहा है सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री इसलिए मैं पेड़ से नीचे आया एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट टाइम और मैं बहुत तेज़ी से उस जगह पहुँचा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था बट ही वाज नॉट देयर लेकिन वह वहाँ नहीं था आई लुक्ड ऑल ओवर मैंने उसे सब और देखा बट आई कुड नॉट फाइंड हिम लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया आई वेंट नियर द एज ऑफ द वॉटर और मैं पानी के सिरे के पास गया एंड आई साफ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउ इट्स सरफेस और मैंने एक काली सी चीज़ देखी जो उसकी सतह पर स्ट्रगल कर रही थी देन इट रॉज़ हायर उसके बाद वह ऊंचा उठी एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट और यह मेरे एलिफेंट की सूण थी आई थाट ही वॉज ड्राउनिंग मैंने सोचा कि वह डूब रहा है आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वॉटर एंड सेव द फोर हंड्रेड पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था और कूद के अपने 400 सौ पौंड के क्योंकि उसका वजन 400 सौ पौंड होगा तो मैं उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि वह उसका वजन मुझसे बहुत ज़्यादा था बट आइसा हिज बेक राइस अबाउ द वॉटर लेकिन मैंने उसके पीछे के भाग को पानी में उठते हुए देखा एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई और जैसे ही मेरी आंखें उससे मिली ही बिगेन टू ट्रम्पेट उसने चिंगारना चालू किया एंड स्ट्रगल अप टू द शोर और वह किनारे पर आने के लिए स्ट्रगल करने लगा देन स्टिल ट्रम्पेटिंग उसके बाद वह चिंगारते हुए ही पुश्ड मी इंटू द वॉटर उसने मुझे भी पानी में खींच लिया एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम और जैसे ही मैं धारा में गिरा आई सॉय फ्लेट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर मैंने एक लड़के को उस नदी के तल में पड़ा हुआ देखा ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम उसने लगभग लगभग बॉटम को टच नहीं किया था बट वॉच सम वाट फ्लोट फ्लोट लेकिन ऐसा दिख रहा था कि वो तैर रहा है आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर मैं पानी की सतह पे आया टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग और मैंने अपनी गहरी सांस भरी जहाँ पे कि करी खड़ा हुआ था हिच फीट प्लांटेड इन द देंड बैंक एंड हीच ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइंड उसके पेड़ उस रेत में धसे हुए थे और उसका जो ट्रंक था उसने उसकी सूंड उसने लंबी करी जैसे वो हाथ से मेरा इंतजार कर रहा हो आई डाइवड डाउन अगेन मैंने फिर से डुबकी लगाई एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस और उस डूबते हुए लड़के के शरीर को मैं खींचता हुआ ऊपर तक लाया बट नॉट बींग गुड स्विमर लेकिन मैं अच्छे तैराक मैं एक अच्छा तैराक नहीं था आई कुड नॉट स्विम एश्योर मैं तेर नहीं पा रहा था एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन और वो धीमा धीमी जो धारा थी जलधारा थी वो मुझे अंदर की ओर खींचने लगी अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट करी हुई स्लो एंड पॉन्ड्रस सडनली डार्टेड डाउन लाइक हॉक एंड केम हाफ वे इन टू द वॉटर वेयर आइसा हिम स्ट्रेच आउट ही स्ट्रंक अगेन उसने जैसे ही करी ने मुझे जल की धारा में डूबता हुआ देखा जो कि सामने तया बहुत धीमा था और तालाब का शौकीन था वह तेज़ी से आया और उसने वह आधा पानी में खड़ा हो गया और उसने मुझे आ, फिर से उसकी सून बढ़ाकर खींचना चालू करा आई राइज डब माई हैंड मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया उसकी सून पकड़ने के लिए एंड इट स्लिप्ड और वह स्लिप हो गई आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन और मैंने महसूस किया कि मैं फिर से पानी में जा रहा हूँ बट दिस टाइम आई फाउंड देट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप इस समय मैंने पाया कि पानी बहुत गहरा नहीं था सो आई सेंग टू दॉटम ऑफ द रिवर इसलिए मैं नदी के बॉटम में डूबने लगा एंड डबल्ड माई फिट और मैंने मेरे फिट रखे अंडर मी एंड देन सडनली किड द रिवर बेड एंड सो शूट अप वार्ड्स लाइक एन एरो और उस समय मैंने रिवर में पीछे की ओर किक मारी और मैं आगे की ओर एक एरो की तरह आगे की ओर बढ़ने लगा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ट्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड और यद्यपि मैं अपने साथ उस डूबते हुए लड़के को भी मेरे हाथों में पकड़े हुए था इज माई बॉडी रोज अबाउ द वॉटर जैसे जैसे मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा आई फेल ट लेसो अराउंड माई नेक मैंने देखा कि मेरे चार मेरी गर्दन की चारों कोई चीज़ लिपटी हुई है दिस फ्राइटन में इसने मुझे डरा दिया आई थोट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सोलो मी मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निकल लेगा आई हर्ट करी स्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज़ हीज ट्रंक अबाउट माई नेक और मैंने करी की आवाज़ को सुनी और मैं समझ गया कि यह करी की ही ट्रंक है जो मेरे गर्दन के चारों ओर है हिपुलस बहुत अशोर और उसने हम दोनों को किनारे पर बाहर खींच लिया था वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो